अजीत कुमार जी, राम किले की बार कर लो शुरू जी। हाँ जी, वाहेगुरु जी। एक मिनट जी, मैं वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधक सुहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसे, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव धीरथ अमृत सरोवर, गुरज्ञान मज्जन परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव नानक हर नमस्कार, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पति पवित करा, गुरुदेव आज जुगा जुग जुग, गुरुदेव मंत्र जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूर पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। एक मिनट, मैं गुटका साहब ने ले वाहिगुरु, वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली की वार, राय बलवंत तथा सत्य डूमाखी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नौ करता का दर करे, क्यों बोल होवे जो खीव दे गुना सत पैण पराओ है, परंगा दान पड़ीव दे, नानक राज चलाया सच कोट सताणी नीव दे, लैणे तरे उन छत सिर, कर सिफती अमृत पीव दे, मत गुर आत्म देव दी, खड़क जोर परा कोई जीव दे, गुर चेले रे रास की, नानक सलामत थीव दे, सै टिक्का दित्तोस जीव दे, लैणे दी फिर आईये, नानका दोही खटिए, जो तोहा जुगत साय, सै काया फिर पलटिए, चुले सो छत निरंजने, मल तख्त बैठा गुर हटिए,
करे जे गुरफुर माया सिल जोग लूणी चटिए लंगर चले गुर शब्द हर तोट ना आवी खटिए खर्चे दित्ती खसम दी आप खैदी खैर दबटिए हो वे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुर फुरमाया क्यों ए दो बोलो हटिए पुत्री कौल न पालियो कर पीरो कन मुरटिए दिल खोटे आ की फिरन बर पार बर बन पार उचहन छटिए जिना खी सोई करे जिन की ती तिने थटिए कौन हारे किन वटिए जिन की ती सो मनना सो साल जे वासाली धर्म राय है देवता लै गल्ला करे दलाली सतगुर आखे सच्चा करे सब बात होवे दरहाली गुर अंगद दीदो ही फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा से डाली दर सेवे उमत खड़ी मस्कले होए जंगाली दर दरवेश कसम दे नाए सच्चे बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बोती छौ पतराली लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर क्याली गुर सिखा के मुख उजले मन मुख थी पराली मन मुख थीए पराली पय कबूल खसम नाल जा काल मर्दी काली माता खीवी सो सोए जिन गोए उठाली हरेओ गंग वहाइए दुनियाई आके की क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उछेंदी बैन मेर क्यों माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़ क्यों चौदह रतन निकालियन कर आवा गौन चिल क्यों कुदरत आहे विखालियन जिन एवड पिण ठिड़ क्यों लैणे तरयन छत्र सिर असमान क्याड़ा चिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माए आप आपे से तीमे क्यों सिखा पुत्रा कोख कह सब उम्मत वेखो जे क्यों जां सुदोस्ता लैणा टिक्योन फेर वसाया फेर उआण सतगुर कडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लब विनाहे मानसा ज्यो पानी बूर वरिया दरगा गुरु की कुदरती नूर जित सो हाथ न लबई तू ओठ रूर नौ निद नाम निदान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो मंजे चूर नेड़े दिसे मात लोग तुद सुचे सुजे दूर फेर वसाया फेर वाण सतगुर खडूर सो टिक्का सो बहना सोई दी बाण पियो दादे जीव्या पोता परवान जिन बासक नेत्रे कत्या कर नेही दान जिन सुमुंद विरोलिया कर मेरु मधान चौदह रतन निकालियोन कीतोन जानान थोड़ा कीतो सहजदा जत कियो पलान तणख चढ़ायो सत दा जसंदा बाण कल भी तू अंधार सा चढ़िया रह पाण सत्तो खेत जमायो सत्तो छावान नित रसोई तेरिए क्यों मैदा खान चारे कुंडा सुजियस मन में शब्द परवान आवा गौण निवारियो कर नदर निशान अवतरे आओ तार लै सो पुरख सुजान चखड़ वाव न डोली पर्वत में राण जाने बिठा जी की जानी हो जान क्या सा लाही सच्चे पातशाह जा तू सुगड़ सुजान दान जे सतगुर पावसी सो सत्य दान नानक हंदा छत्र सिर उम्मत हैरान सो टिक्का सो बहना सोई दीवान पियू दा दे जीव्या पोतरा परवान तन तन राम दास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारै तारिया सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाव अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया जिनी तू सेव्या पाओ कर से तुद पार उतारिया लब लोभ काम क्रोध मोह मार कड़े तुद सा परवारिया धन सो तेरा थान है
सच तेरा पैसकारिया नानक तू लहना तू है और अमर तू विचारिया और डिठा ता मन साधारिया चारे जागे चोजगी वंचायण आपे होआ आपी ने आप साजियोन आपे ही थम खलोआ आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा होआ सब उम्मत आवन जावनी आपे ही नवा निरोआ तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खीवे चदोआ हुकमणो ते आथ वणो चो चक्की की ओन लोआ जिनी गुरु न सेवियो मन मुखा पिया मोआ दूनी चौणी करामात सच्चे का सच्चा टोआ चारे जागे चोजगी पंचायण आपे होआ दूनी चौणी करामात सच्चे का सच्चा टोआ चारे जागे चोजगी पंचायण आपे होआ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक महला नोवा गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन कौ नानक हर पज मना जय बिद जल को मीन बिखियन स्यों का ही रचियो निमक ना हो उदास कौ नानक पज हर मना परे न जम की फास तरना बोयो ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक पज हर मना औद जात है बीत बिद पयो सुजै नहीं काल पहुँचो आन कहो नानक नर बाबरे क्यों न पजे भगवान तन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इनमें खच संगी नहीं नानक साची जान पतित उदाहरण पै हरन हर अनाथ के नाथ कहो नानक ते जानिए सदा बस तुम साथ तन धन जे तो कहो दियो तास्यो नेहु नकीन कहो नानक नर बाबरे अब क्यों डोलत दीन तन धन संपै सुख दियो अर्जैनी के धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना ऐ सिमरत गत होए जै सिमरत गत पाईए तै पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जानो चतुर सुजान जहते उपजियो नानका लीन ताहे मैं मान कट कट में हर जू बसे संतन कहो पुकार कहो नानक ते पज मना कौनिद उतरे पार सुख दुख जय पर सह नहीं लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान उस्तत निंदिया नाहि जे कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुकता है तै जान हरक सोग जा के नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुकता है तै जान पै काहू को देत ने पै मानत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जय बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग कहो नानक सुन रे मना तै नर माथे पाग जय माया ममता तजी सब ते भयो उदास कहो नानक सुन रे मना तै कट ब्रह्म निवास जय प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान कहो नानक वो मुकत नर एह मन साची मान पैना संदुर मत हरन कल मैं हर को नाम निज दिन जो नानक पजै सफल होए तह काम जय बागुन गोबिंद पजो कर्ण सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना परे न जम के ताम जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार
कौ नानक आपन तरै औरन लेत उधार, जू सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान, निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक कहू नारायण जय चीत, जैसे जलते बुध बुदा उपजे बिनसे नीत, जग रचना तैसे रची कौ नानक सुन मीत, प्राणी कछु न चेते मद माया के अंध, कौ नानक बिन हर पजन परत ताहे जम फंद, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह, कौ नानक सुन रे मना दुर्लभ मानक देह, माया कारण धावही मूरख लोगे अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान, जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तेह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान, मन माया में फद रहयो विषयो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम, प्राणी राम न चेतई मद माया। आवाज नहीं आ रही दरिंदर जी। आवाज नहीं आ रही दरिंदर। सुरंजीत जी आप कंटिन्यू कर लो, जिधर वो कर रहे थे वो उनका नेटवर्क नहीं आ रहा। प्राणी कछु न चेते मद माया के अंदर तो कितना सुनिया से प्राणी कछु न चेते मद माया के अंध, कौ नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कौ नानक सुन रे मना दुर्लभ मानक दे, माया कारण तावही मूरख लोग जान, कौ नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान, जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान, मन माया में फद रहयो बिसरयो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम, प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध, कौ नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद, सुख में बो संगी पए दुख में संग न कोए, कहो नानक हर भज मनांत सहाई होए, जन्म जन्म पर मत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर पज मना निरपै पावे बास, जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लिहो भगवान, बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान, करणु तो सो ना कियो पर्यो लोभ के फंद,
नानक समयो राम गयो आप क्यों रोवत अंध मन माया में राम रहो निकसित नाहिन मीत नानक मूरत चितर ज्यों शाडत नाहिन पीत नर चाहत कछ और की और है पई चितबत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी यतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए कह नानक सुन रे मना हर पावे सो होए जगत पिखारी फिरत है सब को दाता राम कह नानक मन सिमरते पूरन होवे काम झूठे मान कहा करे जग सुपने ज्यो जान इन मैं कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान गर्व करत है देह को बिन सैछिन मैं मीत जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन स्वामी को ग्रह ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नित नानक ए विद हर पजो एक मन हो एक चित तीरथ बरत्यार दान कर मन में तरे गुमान नानक ने फल जात ते ज्यो कुंचर स्नान सिर कंप्यो पग डग मगे नैन जोत ते हीन कहो नानक एह बेद पई तउ न हर रस लीन निज कर देखो जगत में को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है तेरा को मन माहे जग रचना सब झूठ है जान लिहो रे मीत कह नानक तिर ना रहे ज्यों बालू की पीत राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार कह नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए इह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल नानक हर गुण गाय ले शाड सगल जंजाल दोहरा बाल छोट क्यो बंधन परे कछु न हो तो उपाय कह नानक अब ओट हर गज ज्यो हो सहाय बल हुआ बंधन छुटे सब किच होत उपाय कह नानक सब किच तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए को न निभ्यो साथ कह नानक एह बिपत में टेक एक रघुनाथ नाम रहो साधु रहो गुर गोबिंद कह नानक एह जगत में किन जप्यो गुरमंत राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोय जे सिमरत संकट मिटे दर्श तहारो होय राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोय जे सिमरत संकट मिटे दर्श तहारो होय वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह रहरा साहेब हर जग जग भगत पाया पैज रखदा या राम राजे हर नाक्स दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम दियो मुख लाया जिन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छड़ाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ
जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया कह नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा सो दर रागा सा महला पहला एक ओहकार सतगुर प्रसाद सो दा तेरा कहा सो कर कहा जित वै सर्व समाले वाजे तेरे नाद अनेक संखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिश्यो कहिया है केते तेरे गावन हारे गावन तुनो पौन पणी वै संतर गावे राजा तरुण द्वारे गाविन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गाविन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गाविन तुदनो इंद्रासन बैठे देवते अंदर नाले गाविन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गाविन तुदनो साध विचारे गाविन तुदनो जति सती संतोखी गाविन तुदनो वीर करारे गाविन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गाविन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच प्याले गाविन तुदनो रत्न पाए तेरे अरसा तीर्थ नाले गाविन तुदनो जोध महाबल सूरा गाविन तुदनो खाणी चारे गाविन तुदनो खंड मंडल बरपंडा गाविन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गाविन जो तद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गाविन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिनो पाई कर कर देखे कीता अपना जो तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई करसी फेर हुक्म ना करना जाई सो पात साहु साहा पत साहेब नानक रहन रिजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए बड़े मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुनी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कह न जाई तेरी तिल बड़ियाई सब सत सब तप सब चंगियाईया सीधा पुरखा किया वडियाईया तदवन सिद्धि किने ना पाईया करम मिले ना ही ठाकर हाईया आखन वाला क्या विचारा सेफती भरे तेरे भंडारा जह तू दहे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा महला पहला आखा जीवा बिसरे मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चली है दुख सो क्यों बिसरे मेरी माए साचा साहेब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई जैसा मिलके आखन पाहे बड़ा न होवे काट ना जाए ना हो मरे न हो वै सोग देदा रह न चुके पोग गुण एहो होर ना ही कोए ना को होआ ना को होए जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करके कीती रात खसम बिसारे ते कम जात नानक नावे वासनात रा गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे करम सतगुर सरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुर दे मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन केवड़ भाग बडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तास मिल संगत गुण परगास
जैन हर 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 रस नाम ना पाया ते पाग हीन जम पास जो सतगुर शरण संत नहीं आए त्रैग जी वह त्रैग जी वास जैन हर जन सतगुर संगत पाई तैन तर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास रा गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जंत उपाए ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहाओ जानन पिता लोक सतवंता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकर काहे मन पौ करया उडे उद आवे सह कोसा तिस पाछे बचरे सरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकर कल तल तरिया जन नानक बल बल सदबल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकर कल तल तरिया जन नानक बल बल सदबल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्यावे सब त्यावे तुर जी हर सच्चे सरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तुम जिया का दा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भगता जी हो तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवै तो जी जन नानक तिन करवाना हर त्यावै तो जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहें तो जी हर अनक नेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पड़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तद जेवड़ अवर ना कोई तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी तू नहचल करता सोई तद आपे पावे सोई बरते जी तू आपे करे सोई तद आपे सिट सब उपाई जी तद आपे सरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सब नीते आया जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुद ही माहे तुद बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाने सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तद बिन दूजा अवर ना कोए
तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सर वरडे पहले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा ते डूबियले। मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। नाह जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मगदा जन्म पया परणवत नानक तिनकी सरणा जिन तू नाही बिसरिया। आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानख देहरिया गोविंद मिलन की है तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत पज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साधना जानिया हर राया। कह नानक हम नीच करमा सारन परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साधना जानिया हर राया। कह नानक हम नीच करमा सारन परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई। पौनरा छिछका काटा सीसा श्री सकेत जगत के ईसा। पोपन वृष्ट गगन ते पई सबहन आन बधाई दई। तन तन लोगन के राजा दुष्टन दह गरीब निवाजा। अखल पवन के सिरजन हारे दास जान मोह लेहो उवारे। कवियो वाच विनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित की इच्छा तब चर ननमन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सब तुम कावो। आप हाथ दे मुहे बचावो सुखी वसे मोरो परिवारा। सेवक सेख सवै कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिये। सावरन को आसंगरिये पूरन होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास नि भरिये। पूजो सदा हमारे पच्छा सीरियस तुझू करियो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन वंद दोष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप्तरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जिछनो पजायो। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह वध कियो। कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने। जब उद कर करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ कर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सीट सब तारे आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव न पापत वेदा। ताको कृपा हनु अनुमानत महामूढ़ को भेद न जानत। महादेव को कहे सदा सेव निरंकार का चिंत नहीं पैव।
आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पेन पेन तो तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहवे सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कई पुपा अंडज जेरज से तज किन्नी उत्पज खान बहुर रच दिनी कहूं फूल राजा हब बैठा कहूं स्मित पे शंकर कैठा सागरी सेट दिखाए अचंपव आदि जुगाद स्वरूप सजंपव आवरक्षा मेरी तुम करो सिख उवारिया सिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेस करो रण काता जे तो तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख हो मरे परख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकट नहीं आए है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट रष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाहे न हर हो ताके ताप तनक में हर हो रेद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाप सब सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवारा काल फास्ते ताहे उवारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारे दुष्ट दुख तेरा खड़ के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उवारी सर्ब ठोर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता केलवेख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छह करता सिरिया तो जब वे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछित फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अडला सुने गोंग जो जाहे सुरसना पावई सुने मूर्छित लाए चितरता आवई दुख दर्द प निकट ना ते नर के रह हो जो जाकी एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणी जय अर्ध सहस पन तीन कही जय भाद्रव सुधी अष्टमी रवि बारा तीर सतत्रव ग्रंथ सुधारा सवया पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद स्वय बहु वेद कहे हम एक ना जान्यो श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो है बखान्यो दोहरा सागल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज आस गोविंदास तुहार सागल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज आस गोविंदास तुहार वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सह सेती मन बजिया बदाया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया सब दोता गावो हरि केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सत गुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कर सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो बिसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस देहे सो पावे सदा सब सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन बसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाया पर शांत सुख मन आए बसिया जन इच्छा सब पजाइया सदा कुरबान किता गुरु बिटो जस दिया है बड़े आया
कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पन सब तित कर सपागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तद वस कीते काल कंट कमारिया तुरकारम पाया तुद जन को से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख हुआ तित करन हदवाजे आन सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिन बंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूरे सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिन बंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुदावनी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए अदारो एह बस्त तजी नहीं जाई नेत नेत राखर तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनू जो कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस प्यो ही तरस पिया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवन तन मन थीवै हरिया तरस पिया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवन तन मन थीवै हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुनके जमके दूत नाए तेरे छड़ जाहे पबजल बिखमस गाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाहे काल में एहो पन गुण गोविंद गाहे सबसे नो कृपाल समाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवे तुद आहे श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जेहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना सर्वनी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरत्या दरगे पाय ठाओ पहना न कृपा करे जिसनो ए वत दे जग में उत्तम काढ़िये बिरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप वारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन होआ आप दयाल मनो ना बिसारियन साध जना के संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहेब की टेक नानक मन माहे जे सिमरत सुख होए सगले दुख जाए ती साहेब की टेक नानक मन माहे जे सिमरत सुख होए सगले दुख जाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंद पसहोधरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव शांत सतवद मूरत गुरुदेव परस परस परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जा पुदरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा
गुरदेव संगत प्रा मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा। गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा। गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। अरदास तू ठाकर तू पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसू कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समागरी तुमरे सूतर तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी। अरदास कर देना की नवी सरकार जेडी भी बनी है वो पंजाब दी खुशहाली वास्ते पंजाब दी भलाई वास्ते काम करे पंजाब दी चढ़दी कला होए। अरदास कर देना। हां याद सी वीर जी सवेरे दस्या। अरदास तू ठाकर तू पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसू कनेरे। कोई न जाने तुमरा यंत्र ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समागरी तुमरे सूतर तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मत तुमरी जन नानक दास सदा कुरबानी। सिखा
दाना सरदान नाम दान श्री अमृत सादी दे दर्शन स्नान चौंकिया चंडे मुंगे धर्म का जयकार खालसा जी बोलो वाहेगुरु सिखा दा मानी मां मत जी मत पत दा रखा वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता दियो श्री ननकाणा साहिब के होर द्वारिया अमृता माते जिन्हों तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे मान मिताणिया दे दान न्योटिया दी ओट न्यासरिया दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने बच्चों तो सेवा आप लई है वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी सारी संगत ने मिलके संध्या वेले तों तक बेअंत बाणियां पढ़िया वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी बाणी पढ़दिया सुनदिया कोल अनेक तरह दियां पुल्लां हो गईयां होणगियां अनजान बच्चे समझ के माफ करना सच्चे पातशाह जी अगे 290 स्पष्ट बाणी पढ़न दा बल बुद्धि बख्श दे वाहिगुरु हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी ने जो सृष्टि साडी है सारी सृष्टि ते अपना मेहर भरिया हथ रखना जी सानू बेरोता तंदरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनियां वाहिगुरु सब दे सिक्खी केसां सुआसां संग मिले वाहिगुरु हे वाहिगुरु जी इस सड़दे बलदे संसार ते अपनी कृपा दृष्टि करके ठंड बरताओ सच्चे पातशाह जी हे वाहिगुरु जी आप जी ने जो सारी संगत जोड़ी है वाहिगुरु जी संगत दे परिवारां ते बच्चियां ते मेहर भरिया हथ रखना जी सब नूं अमृत वेले ते जग ते आप जी दे दर्शन दिंदा रहे संगतां दे चरण तों आप जी दी सेवा बख्शनी जी सब नूं गुरसिखी जीवन बख्शना बाणी दा दान बख्शना जी अमृत दा दान बख्शना वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी सब दी सिक्खी ते सुन सुआसन संग मिले वाहिगुरु जी सब नूं बाणी ते बाणी दे तारनी बनाउणा जी सब दे घरां विच पीढ़ी दर पीढ़ी गुरसिक्खी चलदी रहे सच्चे पातशाह जी हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी सब दे बच्चे जिथे किथे वी रहिंदे हन बच्चियां दे अंग संग सहाई हो के रहना बच्चियां ते अपना मेहर भरिया हथ रखना जी बच्चियां नूं चढ़दियां कला विच रखना जी बच्चियां दी कारज आप सिवारने वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी बच्चियां नूं बाणी दा दान बख्शना जी गुरमत दा दान बख्शना पढ़ाई दा दान बख्शना सच्चे पातशाह जी अमृत दा दान बख्शना वाहिगुरु जी सब दे बच्चियां दी मत पत दी रख्या आप करनी सच्चे पातशाह जीओ हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जीओ आप जी दी मेहर दा सदका जो सरकार बनी है वाहिगुरु पंजाब विच सच्चे पातशाह जीओ आम आदमी पार्टी दी सरकार बनी है वाहिगुरु सच्चे पातशाह जीओ लोकां दीआं सब दीआं हिसाबां ते खरी उतरे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जीओ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी भैन जसमीत कौर ते प्रीति जी ते हरलीन कौर जी नूं दे लोकता बख्शनी वाहिगुरु जी शरीरक तंदुरुस्तियां बख्शनियां जी बच्चियां नूं छड्डिया कला विच रखना सच्चे पातशाह जी बच्चियां दे अंग संग सहाई हो के बच्चियां दे कारज आप सवारने वाहिगुरु जी
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਓ ਆਪ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੋੜੇ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਓ ਬੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦਰਗਾਹ ਸਤਿਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਓ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਕਾਟਾ ਪੰਜੂ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੀਤਾ ਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਦੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਜੋਤੇ ਖੋਜ ਸਬਦ ਮੈਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਲਾਪੀ ਰਹੇ ਨਕੋਈ ਕੋਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਲੇ ਗਏ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹਾਰ ਖੰਡਾ ਜਾਪੇ ਹਾਥ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਤਾ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਕਲਗੀ ਤਾਰੀ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੇ ਸੋਲ ਸਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤਵੋ ਅੰਦਿਨ ਨੀਤ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ ਜਾਚਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ ਨਿਖੁੱਟ ਨ ਜਾਈ ਮੁੱਲ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਰਿਆ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੂ ਤੂੰ ਹੁਆ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੂ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ ਜਬ ਆਪਾ ਭਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖਿਓ ਤਤ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸੋ ਕੋਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਐਨ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰੇ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਏ ਤੁਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਕਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਪਾਈ
जे गुर के पाने विच आवे अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटा खावे सो सिख सका बंदप है पाई जे गुर के पाने विच आवे अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटा खावे बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई फिर पछोतावे हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे आपे मेल मिलाई रहो ए कुटुंब सब जी के बंधन पाई परम पुला संसारा बिन गुर बंधन टूटे नाही गुरमुख मोख द्वारा करम करे गुर शब्द न पछाने मर जन में वारो वारा हो मेरा जग पल चरया पाई कोई न किस ही केरा गुरमुख महल पायन गुन गायन गावन निज घर होए बसेरा एथे बुझे सो आप पछाने हर प्रभ है किस केरा एथे बुझे सो आप पछाने हर प्रभ है तिस केरा सतगुर सदा दयाल है पाई विन पा गया विन पागा क्या पाइये एक नजर कर वेखे सब ऊपर जैसा पाओ तेहा फल पाइये नानक नाम वसे मने अंतर विचो आप गवाइये एक नजर कर वेखे सब ऊपर जेहा पाओ तेहा फल पाइये नानक नाम वसे मने अंतर विचो आप गवाइये वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जी बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जी हुक्मनामा साहिब लैंदियां होईयां बेअंत फुलां चुकां नूं संगत बख्शनहार जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जी गुरु प्यारे शासन जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी संगत जी बहुत ही शुकराना जी चरण तोड़ बख्शन का जी सेवा करन दा गुरबाणी सुनाउण दा जी बहुत ही शुकराना संगत जी संगत जी अज भी कथा विचारां दा इतिहास सांझा दा दिन है मैं रिक्वेस्ट करांगा जिन्हां संगतां ने कथा विचारां सांझियां करनियां होण केस स्टडी प्लीज रेस हैंड कर दें सब तो पहले रविंदरजीत कौर जी करेंगे जी उस तो बाद अगर सुरनजीत कौर जी को तैयार है साकी तां करेंगे जी उस तो बाद फिर मनप्रीत कौर जी हाँ जी रविंदरजीत जी प्लीज कंटिन्यू करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी संगत जी नाहन राज विच जमुना दे किनारे सतगुरु जी ने संमत 1742 विच किला बना के निवास किया इसे निवास समय ही आप जी का युद्ध पहाड़ी राजा नाल भीम चंद कहलौरिया ते राजा फतेह शाह श्रीनगर गढ़वाल की अगवाई हेठ 18 विसाख संमत 1746 नू पंगाणी के मैदान विच होया इस विच ए पहाड़ी राजे शामिल होए फतेह शाह श्रीनगर हरिचंद हंडूरिया मधुकर शाह डडवालिया गोपाल चंद गुलेरिया भीम चंद कहलूरिया केसरी चंद जसवालिया किरपाल चंद कटोचिया इन्हां वल्लों राजा हरिचंद हंडूरिया चंदेल दा गाजी चंद अनेकां राजपूत निजावत खां हयात खां ते भीखण खां पठाणा दे सरदार अते बहुत पठान सिपाही मौत दे घाट उतरे जिस नाल पहाड़ी राजिआं नूं हार होई गुरु साहब जी वालों जीतमल संगोशा बीबी बीरो दे सपुत्र अते सिख योधे पीर बुद्धू शाह दे दो पुत्र
ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੀਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤਮਲ, ਮਾਰੀ ਚੰਦ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 700 ਚੇਲਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਪਚੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਤਿਕੇਰੀ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੰਘਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸ ਸਨ, ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕੰਘਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸ ਸਨ, ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਮਾਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਡੋਰੇ ਆ ਗਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੂਕੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਪਾਓ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਲਈ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਢਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਬੀਬੀ ਬੀਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜੀਤਮਲ ਅਤੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਰੀ ਚੰਦ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜੇਵਰ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਆਦਿਕ ਸਿਰਪਾਓ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਜਥਾ ਯੋਗ ਸਿਰਪਾਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਭ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਏ। ਢਾਡੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪਾਈਏ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੌਂਟੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਧੀਰਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਊ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਂਟੇ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਟੇ ਤੋਂ ਹਾਰ
खा के खिजिया होया भीम चंद उसके होर साथी साड़ी गैर हाजरी विच आनंदपुर उत्ते कब्जा ना कर लैन फिर सानू अपना नगर उन्हां तों छुड़ाउण वास्ते लड़ाई ना करनी पवे। इस तरह योध्यां दे उतावलेपन नूं ठंडिया करन वास्ते आनंदपुर की संभाल करन वास्ते सतगुरु जी ने माल असवाब अते घर बार की पूरी तैयारी करके पौंटे तो आनंदपुर नूं चाले पा दिते। तुरन समय सतगुरु जी ने रणजीत नगारे के बड़े जोर नाल चोटा मरवा के नेड़े तेड़े दे सारे पहाड़ी इलाके विच गूंज पा दित्ती। पहला नगारे की तंकार होवे अते पिछों पहाड़ी दूना की गुंजार नाल कमजोरां दे दिल हिल गए। पहाड़ीए राजे फिर डर के इकट्ठे होके सलाह करन लगे कि हुण गुरु जी साडे राज ही ना खो लैण। पर पिछों जब उन्हां नूं अपने आदमी राही पता लगा कि गुरु जी आनंदपुर नूं जा रहे हन तां फिर उन्हां नूं सुख दा साह आया। फट्टड़ सिंघां दी मरम पट्टी करदे कराउंदे गुरु जी अपने डेरे नूं लै के हौली हौली तुरे जा रहे सन। जिथे पिंड दे पास खुले थां गुरु जी डेरा ला के रात दा विश्राम करदे सन, पिंडां दे लोक अन्न दाणे अते दुध आदिक नाल हर प्रकार की सेवा करके सतगुरु जी दीआं खुशियां लैंदे सन। जद गुरु जी सधौरे तों लंघ गए तां नाहन दे राजा मेदनी प्रकाश ने अपने वकील नूं भेज के बेनती की कि मैनूं तुहाडे दर्शन करन दा समां नहीं मिलिया। जदों गुरु जी सडौरे तो लंघ के नाहन दे राजा मेदनी प्रकाश ने अपने वजीर नूं भेज के बेनती की कि मैनूं तुहाडे दर्शन करन दा समां नहीं मिलिया, कृपा करके लाहड़पुर पिंड दे नेड़े दो तीन दिन वास्ते डेरा कर लवो, मैं आण के दर्शन करके तुहाडियां खुशियां लै लवां, तद फिर तुसीं अगे जाणा। राजे की बेनती प्रवान करके सतगुरु जी ने उत्थे दरख्तां दी छां हेठ अते पहाड़ी पानी दा नाला देख के डेरा कर लिया। दूसरे दिन सतगुरु जी ने नंद चंद की अगवाई हेठ थोड़े योधे पास रख के बाकी का सारा डेरा फटना सहित मामा किरपाल चंद की अगवाई में आनंदपुर भेज दिता। सतगुरु जी नाहन पति नूं लगातार 12 दिन उड़ीकते रहे। संगत जी, ये जिहड़ा राजा सी नाहन दा मेदनी प्रकाश नूं सतगुरु जी 12 दिन उड़ीकते रहे, पर वह दूजे पहाड़ी राजा तो डरदा गुरु जी नूं आप तां मिलन ना आया पर अपने वजीर नूं रोज ही गुरु जी पास अज कल आउण दा इकरार करके भेजदा रहा। अंत नूं राजे ने अपने वजीर नूं सतगुरु जी पास बहुत प्रकार की भेटा दे के भेज दिता अते आप हाजिर ना हो सकन दी माफी मंग ली। सतगुरु जी ने वजीर नूं कहा कि राजा दूजे डेरियां तो डर गया है, उसने सानू ना मिलके चंगा नहीं किया। जिथे सतगुरु जी ने 12 दिन डेरा करके राजे नाहन की उड़ीक की सी उत्थे गुरुद्वारा टोटा साहब विद्यमान है, उत्थे गुरुद्वारा टोटा साहब स्वायमान है। इस दे नेड़े एक रंगड़ां दा अते एक फकीरां दा पिंड सी। रंगड़ां ने सतगुरु जी दे डेरे दे दो ऊठ चरा ले सन जो फकीरां दी सहायता नाल रंगड़ां दे घरां दी तलाशी लै के गुरु जी ने वापस लै ले सन। इसे करके रंगड़ां दे पिंड दा नाम सतगुरु जी ने टोटा अते फकीरां दे पिंड दा नाम लाहा रख के भर दिता। रंगड़ सदा घाटे विच रहणगे अते फकीर सदा लाभ विच। सो सतगुरु जी दे वाक अटल सत होए कथन कीते जांदे हन। राजे नूं 12 दिन उड़ीक के सतगुरु जी आनंदपुर नूं चल पए। रस्ते विच एक पिंड रायपुर सी, उत्थों दी राणी ने सतगुरु जी नूं बड़ी शरदा ते भाए भावनी नाल अपने पास एक रात डेरा करा के बड़ी सेवा कीती। दूजे दिन राणी ने अपने किले च सतगुरु जी नूं प्रसाद छकाया। प्रसाद छक के जब आप जी ने चुल्हा कर लिया ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਬੜਾ ਵਧੇਗਾ, ਫੁੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਧੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਆਪਦਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
गुरु तुहाडा राखा होवेगा। राणी ने बड़े सतिकार नाल सतगुरु जी तो शस्त्र लैके मत्था टेकिया अते अपने पुत्र दे सिर सुहा के सुंदर पलंग उत्ते बिछाउणा बिछा के उपर रख दिते। इस तरह राणी नूं वरदान दे के सतगुरु जी कूच करके कीरतपुर पहुंच गए। सतगुरु जी रायपुर तों हल चल के हौली हौली डेरा करदे संगतां दीआं अनेक प्रकार दीआं धन वस्त्र दुध दही दाणा आदि भेटा लै के उहनां नूं निहाल करदे होए कीरतपुर पहुंच गए। कीरतपुर आप जी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे स्थान ते दीवान लगवाया। रवाबियां ने कीर्तन कीता, आईयां संगतां नूं कड़ा प्रसाद दे खुले गफ्फे वरताए। बाबा सूरजमल जी दे दोवें पोतरे गुलाब राय ते शाम सिंह बड़े उत्साह नाल आप जी दे दर्शन करन आए। उन्होंने जथा शक्त सेवा करके सतगुरु जी दीआं खुशियां प्राप्त कीतियां। जद उन्हां दोहां भरावां ने बेनती कीती कि तुहाडे तो बिना असीं इत्थे उदास ही रहे हाँ, तां आप जी ने कहा कि हुण असीं अपने नगर आनंदपुर निवास कर लिया है, तुसीं साडे पास ही रहना। रात इत्थे विश्राम करके दूजे दिन सतगुरु जी आनंदपुर पहुँच गए। आप जी का आना सुन के आनंदपुर के लोगों ने बहुत खुशियां मनाईया अते दीपमाला कीती। सतगुरु जी ने हजारां रुपयां दा कड़ा प्रसाद तैयार करके नौवें पातशाह दे द्योरे दे दर्शन करके सिख संगतां विच वरताया। हजारां नर नारी खुशियां नाल भेटा लैके आप जी दे दर्शन करन वास्ते आए अते उन्होंने पंघाणी दे युद्ध दी जित दे हालात सुन के खुशियां मनाईया। सतगुरु जी दे द्योरे ते मत्था टेक के कड़ा प्रसाद वरता के फिर गुरु जी अपने घर आए। अगों दोहां महिलावां माता जीतो जी अते सुंदरी जी ने आप जी दे चरणा ते मत्था टेकिया अते शरीर दी कुशलता पुछी। सतगुरु जी ने अपनी माता गुजरी दे चरणा ते मत्था टेकिया। माता जी ने प्यार दिता, गल नाल लाया, सिर मूँह चुम्या ते असीसां दित्तियां। पिछले पहर सतगुरु जी ने शस्त्र वस्त्र सजा के दीवान विच संगतां नूं दर्शन दिते। गुरु जी दे योधे भी सारे शस्त्रधारी हो के दीवान विच सज के दूर दूर तों संगतां सुण के सतगुरु जी दे दर्शन करन आउंदियां अते आपो अपनियां अनेक प्रकार दीआं भेटां अर्पण करके अपनियां मनोकामना पूर्ण करके धन भाग समझदी। संध्या समय रास दे उपरंत कड़ा प्रसाद दी देग वरता के सतगुरु जी विश्राम करन वास्ते अपने महलां विच जा विराजदे। इस प्रकार नेता प्रति दीवान लगदे अते संगतां उपदेश लै के किरतार्थ हुंदियां। वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह इहो जे महापुरश सतगुरु जी दे चरणां ते कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी इतिहास सुनाउंदिआं कुल होईआं गलतीआं नूं माफ कर देणा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी साखी भी एक परिवार दी आ, उन्हां दी हड बीती आ। आदमपुर पिंड सी, जलंधर तो परे सी पिंड। वह परिवार का दीवाना विच भी आना जाना सी। गुरमुख प्यारे सीगे, गुरमेल सिंह परिवार दे जिहड़े सीगे मेन। गुरमेल सिंह उन्हां दी एक धर्म पत्नी सी, संगत विच आउंदे सी दोनों। उन्हां दा एक बेटा सीगा जसवंत सिंह। हुण इस टाइम उन्हां दी उहदी बच्चे दी उम्र 21 साल दी होगी। पहला 2019-19 साल की उम्र सी उहदी बच्चे की। उहदी मां ने आप दस्या, कहिंदी बच्चे का कद 1.25 फुट सी, बहुत कदकार सी बच्चे का, शरीर बहुत सोहना बनाया होया सीगा। सर्दियां के दिन सीगे, बॉडी बिल्डिंग भी करदा सीगा, वेट चुकदा सी। सर्दियां के दिन सी, ठंड बहुत सीगी, बच्चे ने कि जाके ना ज्यादा वेट चुक लिया, भार ज्यादा चुकन करके जां कोई उहदा पिछला कर्म सामने आ गया बेचारे का, ते ज्यादा भार चुकन करके ना उहदी रीढ़ की हड्डी क्रिक कर गई पिछे। उह टाइम ते तां उह उकणी करी गया, अपनी कसरत करी गया, उहनूं पता नहीं लग्या, गर्म सीगा शरीर। बाद विच घरे आ के पता लग्या कि कम खराब हो गया, उहदी ढूही दुखण लग गई, मतलब दर्द होण लग गया। दिनों दिन उहदी हालत खराब हुंदी गई मुंडे की, कदे किसी नूं दिखाउण, कदे किते दिखाउण, पर कोई फर्क ना पिया। फिर किसी ने राय दित्ती, कहिंदे वी फलाने डाक्टर नूं दिखा दो, वी उस उहदे कोले लै जाओ। ते उह बेचारे मन गए ते उत्थे लै गए। उहदे नाल होर बेचारे दी कम खराब हो गया,
ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਮਾ ਹੀ ਖੜ ਗਈ ਉਹਦੀ ਢੋਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੋ ਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਥੱਲਿਓ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲਓ, ਵੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਢੂਹੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਲਈਏ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੀਜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ ਭੈਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ, ਵੀ ਉਹ ਟੀਕੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢੀ, ਵੀ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਉੱਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਲਾ ਕਰਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਧੋਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀਗੀ 3-4 ਸਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2019 ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਹਿੜੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਕੋਈ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਭਜਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਝੁਕੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਮਸਾਂ ਖੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਪਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਬੈਠ ਖੜਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੀਵਾਨ ਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਲੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ 3 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁਣੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਊਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3:30 ਘੰਟੇ ਵੀ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਏ ਡਾਕਟਰੀ ਘਰੇ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30-3 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਰਕੂੰਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ 9 ਵਰ 9 ਆ, ਅੱਜ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ। 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮੋਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੀਰੇ, ਰਤਨ, ਪਾਰਸ, ਪੱਥਰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦਨ, ਕਪੂਰ ਵਰਗੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਪੇੜ ਹਨ, ਕੀਮਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜੋ ਸੀਮਿਤ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਮਨੋਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, 3 ਜਾਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਅਤੇ ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ। ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਕੋਈ 3 ਜਾਂ 14 ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਪਰਮਾਣੂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰਮਾਣੂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 425 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਬਣੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਲਕ ਝਪਦਿਆਂ ਹੀ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸੈ ਦੀਪ ਲੋਭ ਸਿਖੰਡਣੈ, ਗਛੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 525 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁਰਮਾਨ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਜਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪੌਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੈਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 525 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਦਰ ਜੀ ਤੌਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹੀ ਸੱਤ ਅੱਠ ਜਾਣੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਨਾ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰੱਖੋ ਹਨਾ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ 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 ਕੱਲ ਕੱਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਲੋਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਗਿਆਨ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧ ਪਸੋਦਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਨਿਰੋਧਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤ ਸਤਬੁੱਧ ਮੂਰਤ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸਪਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਾਪ ਹਰਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਕਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਹਰ ਜਪੁਦਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਾਗਤਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਕਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਾਗਤਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਕਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਠ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਦੋਹਰਾ ਸਾਂਗ ਸਰੋਹੀ ਸੈਫ ਅਸ ਤੀਰ ਤਪਕ ਤਲਵਾਰ ਸਤਰਾਂਤਕ ਕਵ ਚਾਂਤ ਕਰ ਕਰੀਏ ਰੱਛ ਹਮਾਰ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਰਾ ਤਰੀ ਸੈਲ ਸੂਫ ਜਮਦਾੜ ਕਵ ਚਾਂਤਕ ਸਤਰਾਂਤ ਕਰ ਤੇਗ ਤੀਰ ਤਰਵਾੜ
अस किरपान खंडो खड़ग तुपक तवर यार तीर सैफ सरोही सहथी जहे हमारे पीर तीर तुही सहथी तुही तुही तवर तलवार नाम तिहारो जो जपे पए सिंध पव पार काल तुही काली तुही तुही ते ग्यार तीर तुही निशानी जीत की आज तुही जगवीर तुही सूल सहथी तवर तू निखांगे अरबान तुही कटारी सेल सब तुम ही करद किरपान शस्त्र अस्त्र तुम ही सिपर तुम ही कवच निखांग कवच अंतक तुम ही बने तुम व्यापक सर्वांग श्री तू सब कारण तुही तू विद्या को सार तुम सब को पराज ही तुम ही लेहो उवार तुम ही दिन रजनी तुही तुम ही जियन उपाए कौतक हेरन के नमित तिन मोह बाद बढ़ाए अस किरपान खंडो खड़ग सैफ तेग तरवार रच करो हमरी सदा कब चंतक करवार तुही कटारी दाड़ जम तू बिछो अरबान तो पत पद जे लीजिए रच दास मोह जान बांक बजर बिछुओ तुही तवर तरवार तुही कटारी सहथी करिए रच हमार तुम्ही गुर्ज तुम ही गदा तुम ही तीर तुफांग दास जान मोरी सदा रक्षा करो सर्वंग छुरी कलम रिप करद पन खंजर भुगदा नाए अर्ध रिजक सब जगत को मोहे तुम लिहो बचाए प्रथम पावो जगत तुम ही पंथ बनाए आप तुही जगरा करो तुम ही करो सहाय मच कच बरा तुम बावन अवतार नार सिंह बौदा तुही जगत को सार तुही राम श्री कृष्ण तुही विष्णु को रूप तुही प्रजा सब जगत की तुही आप ही पूप तुही विपर छत्री तुही रंग अर राओ श्याम दाम अर दंड तुम ही पेद उपाओ शीस तुही काया तुही तैं प्राणी के प्राण तैं विद्या जग बख्तर होए करे वेद बख्यान बसिख बान तन खा गर्पन सर कै बरजे नाम तीर खतंग ततार चे सदा करो मम काम तैनी राले शतर यर मृगन तक ससवान तुम बैरन प्रथमे हनो बहरो बजय किरपान तुम पाट सपासी परस परम सिंध की खान ते जग के राजा पे दी तव जे बरदान शीस शतर यर आर अस खंडो खड़ग किरपान शकर सुरेसर तुम कियो भगत आपनो जान जमतर जम दाड़ा जबर जो दंतक जे नाए लूट कूट ली जत तिने जे बिन बांधे जाए बांक बजर विश्वो बसिख बिरहवान सब रूप जिनको तुम कृपा करी पे जगत के पूप शस्त्र शेर सम्रांत कर सिपरार शमशेर मुकत जाल जम के पे जिमे कहो एक बेर सैफ सरोही शतर यर सारंगार जे नाम सदा हमारे चित वसो सदा करो मम काम सैफ सरोही शतर यर सारंगार जे नाम सदा हमारे चित वसो सदा करो मम काम इत श्री नाम माला पुराणे श्री भगवती उस्तत प्रथम पाए समातम सत सवम सत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी शब्द हजारे मान महला पंजवां चौप दे घर पहला मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई बिलप करे चात्रक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांत नावे बिन दर्शन संत प्यारे जियो
ओ कोली जी ओ कोल कुमाई गुरदर्शन संत प्यारे जियो राहो तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बानी चिर होवा देखे सारंग पानी तन सो देश जहां तू बसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो ओ कोली जियो कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो राहो एक कड़ी ना मिलते ता कलयुग होता हुन कद मिलिए प्रेत उद भगवंता मोय रहना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हो कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो राव पाग होआ गुर संत मिलाया प्रभ बिनासी घर में पाया सेव करी पल चसा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हो कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो राव तनाश्री मल्ला पहला घर पहला चौप दे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जो डरत है अपना कैसु करी पुकार दुख विसारन सेव्या सदा सदा दातार साहेब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहो अंदिन साहेब सेविये अंत छड़ाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए दयाल तेरे नाम तरा सद कुर्बाने जाओ राओ सर्वम साचा एक है दूजा नाही कोए ताकि सेवा सो करे जाको नजर करे तुद बाज प्यारे केव रहा सा वड्याई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए जिसे आगे प्यारे जाए कहा राओ सेवी साहेब अपना वरना जाचो कोए नानक ताका दास है बिन बिन चुक चुक होए साहिब तेरे नाम बिटो बिन बिन चुक चुक होए रहो तिलंग महला पहला गर दीचा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद एतन माया पाया प्यारे लीतड़ा लंब रंगाए मेरे कंत ना पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जे जाए हो कुर्बाने जाओ मेरवाना हो कुर्बाने जाओ हो कुर्बाने जाओ तिना के लैन जो तेरा नाओ लैन जो तेरा नाओ तिना के हो सद कुर्बाने जाओ राव काया रंगन जे थिए प्यारे पाइए नाओ मजीठ रंगन वाला जे रंगे साहेब ऐसा रंग न ढीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास टूड़ तिना की जे मिले जी को नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नजर करे नानक कामन कंते पावे आपे ही रावे तिलंग महला पहला यानड़िए मानड़ा काये करे अपनड़े घर हर रंगों की ना माने सो नेड़े तन कमलिए बाहर क्या डूडे पैकिया देश लाइया नैनी पवका कर सिगारो ता सुहागन जानिए लागी जासो तरे प्यारो यानी बाली क्या करे जा तन कंत ना पावे करन पला करे बहुत तेरे सातन महल ना पावे विन कर्मा किच पाईए ना ही जे बो तेरा तावे लब लो बंकार की माती माया माए समानी इनी बाती सो पाईए ना ही पई कामने आनी जाए पुछो सुहागनी वाहे किनी बाती सो पाईए जो किच करे सो पला कर्मानी एक मत हुकम चुकाइए जाके प्रेम पदार्थ पाईए तो चरनी चितलाइए सो कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा पर मल लाइए एव कहे सुहागनी पहने निबाती सो पाइये आप गवाइये तासो पाइये और कैसी चतुराई सो नजर कर देखे सो दिन लेखे कामन नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहनिस पाए समानी सुंदर साए स्वरूप विचक्कन के ये सा सियानी सुई महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरे कवन सुराव बुलावा कौन गुरु के पै दिखिया लेवा के पै मूल कहा करावा मेरे लाल जी हो तेरा अंत न जाना तू जल थल मैल भरपुर लीना तू आपे सर्व समाना रहो मन तरा जी चित तुला तेरे सेव सराफ कमावा कट ही पितर सो सो तोली इन बिद चित रहावा आपे कंडा तोल तरा जी आपे तोल नहारा आपे देखे आपे बुझे आपे है बन जारा अंदला नीच जात परदेसी
खिन्यावे तिल जावे ताकि संगत नानक रहदा क्यों कर मूड़ा पावे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबंग गुर प्रसाद राग बिलावल मल्ला पहला चौप दे घर पहला। तू सुल्तान का ओ मिया तेरी कवन वढाई जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूरख कह न जाई। तेरे गुण गावां दे बुझाई जैसे सच मेरो रजाई राव जो किच होआ सब कुछ तिते जो किच होआ सब किच तुझते तेरी सब सुनाई। तेरा अंत न जाना मेरे साहेब मैं अंधले क्या चतुराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ न कथ ना जाई। जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई एते कुकर होबे गाना पोका इस तंताई भगत ही नानक जे होएगा ता खसमे नाओ न जाई। बिलावल मल्ला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर कट ही तीरथ नावा एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जन्म नावा। मन बेद्या दयाल से ती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम ना ही चिंत पराई राव अगम अगोचर अलग अपारा चिंता करो हमारी जल थल मैयल भरपुर लीना गटगट जो तुम्हारी। सिख मत सब भूत तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिना अवर न जाना मेरे साहिबा गुन गावा नित तेरे। जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्व चिंतुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा इक नानक की अरदासे। जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्व चिंतुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा इक नानक की अरदासे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चौपाई साहेब इक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कभी बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सभे तुम घावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सभे करतारा मोर अच्छा निच कर दे करिए सब बैरन को आंच संघरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाहूं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन शत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रक्षा राख ले ओ मोय राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा पपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एके अवतारा सोही गुरु समझेओ हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रन को पल मोहद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पुछानत चीती ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद्करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकरत करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ
जेते बदन शिष सब तारे आप अपनी भुज उचारे तुम सब हीते रहत निरालम जानत पेद पेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूर उचारत पेता जाको पेव न पावत पेता ताको करपा हन अनुमानत महामूर कुछ पेद न जानत महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत ने भिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो हितेती तुमरा लखा न जाए पसारा कैबिद सजा प्रथम संसारा एके रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कई भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा है बैठा कहो सिमट भयो संकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उठ पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे अस्तुस्तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे पुरख जवन पग पड़े तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नी आए है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रित सिद्ध कर मो सब होई दुष्ट छह छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन्नर नाम तिहारो काहा दारित दुष्ट दोख तेरा करग खेत में शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सर्ब ठोर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई करग खेत में शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सर्ब ठोर मोहो सहाय दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कीर्तन सोहिला सोहिला राग गौड़ी लिपकी मेला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जयगर कीरत आखिए करते का होए बिचारो तितगर गावो सोहिला सिवरो सिरजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला हो वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहो नित नित जेड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत न पवे तिस दाते कमन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असी सड़िया जो होवे स्यो देव सज्जन असी सड़िया जो होवे साहिब स्यो मेल घर घर एहो पहुचा सतड़े नित पवन सदन हारा सिमरिये नानक से दे आमन राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जयगर करते कीरत होए सो घर राख बढ़ाई तोए रहा विश्वे चसिया घड़िया पहरा थीती वारी मा होया सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ते वेस राग धनाश्री महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चबरो करे सगल बन राय फूल ज्योति कैसी आरती होए वो खन्ना तेरी आरती अनहता सबत वाजंत बेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत नना एक तोहे सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध एव चलत मोहे सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योतिष पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मुह आहे प्यासा
कृपा जल दे नानक सारे को होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी मेला चौथा काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हरलि मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडोत पुन वड्डा है रहो साकत हर रस साध न जाने तीन अंतर हो में कंडा है जो जो चले चुभे दुख पावे जम काल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण बहु कंडा है अविनाशी पूरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बट बड़ा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी मेला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला तेहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद गट दिन स्रे नारे मन गुर मिल खाज सवारे रहो ए संसार बेकार संसय में करे ओ ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावे ए रस एकत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मने बसेरा निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर न होए को पेरा अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मोको कर संतन की दूरे वाहिगुरु जी धनासरी मेला पंजवा औखी घड़ी ना देखन देई अपना बिरस संभाले हाथ दे राके अपने को सास सास व्रत पाले प्रभ से लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई धन हमारा मीत रहो मन बिलास भय साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई श्लोक सहस्त्रिति मेला पंजवा सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्म हस्तकाया रख्या परमेश्वर है आत्म रख्या गोपाल स्वामी धन चरण रख्या जगदीश्वर है सर्व रख्या गुरु दयाल वह दुख विनाशने भक्त वत्सल अनाथ नाथे शरण नानक पूरक अचूत है घोर दुख्यंग अनेक अंत्यंग जन्म दरिद्रंग महाभिखाद्यंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कासट भस्मं करयोत तोरट मेला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लजाय कर भागा प्रभ जी तुम मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पूरक विदाता रहो नानक प्रभ अविनाशी ताकी सेव न बिथी जासी आनंद करे तेरे दासा जब पूरन हो ही आसा बिलावल मेला पंजवा ताती वाव ना लग गई पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई सतगुर पूरा बेटिया जिन बनत बनाई राम नाम औकत दिया एका लिव लाई रहो राख लिए तीन राखन हार सब ब्याज मिटाई को नानक कृपा भई प्रभ भय सहाय श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हूं ना तू न छूटे निकट न जाइए दूत श्लोक महला पंजवा मन में चित वो चित वनी उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का आरो हर देव नानक के मीत गौड़ी गोरारी महला पंजवा जाके वस खान सुल्तान जाके वस है सगल जहान जाका किया सब कुछ होए तिस्ते बाहर नाही कोय को नानक अपने सतगुरु पाहे काज तुम्हारे दे निभाहे राव सबते ऊंचा जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्व व्यापत पूरन धनी जाकी शोभा घटघट सुन बनी जाकी शोभा घटघट बनी जिस सिमरत दुख डेरा डहे जिस सिमरत सब कुछ कहे जिस सिमरत जम कुछ न कहे जिस सिमरत होत सूखे हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा को सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार को नानक मेरी सुनी अरदास संत परदास मोको नाम निवास वाहे गुरु जी गौड़ी
बावन अखरी महला पंजवां श्लोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान भजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उतरा गुरुदेव संगत प्रभु मेल कर कृपा मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास ताको बिघन को लागे जाकी प्रभागे अरदास अरदास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ध्याए फिर अंगत गुरु ते अमरदास राम दैसे होए सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण दयाये जिस रिछे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिये घर नवनी दावे दाए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदारता ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वन छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनरिट कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। जिना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हिस्स दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां दवाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया ना चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सीखी केसा सुहासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजा तख्ता आते सरबंत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सदका सर्व सुखो वे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचियां रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इसना चौकियां झंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत्ता रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामा दे जिना तो पंथ नु विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शो हे निमानिया दे मान नितानिया दे तान न्योटिया दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु आप दी मेहर दा सतगा शस्त्र माला जी दे पाठ होए ने शरब शब्द हजारे साहिब जी दे पाठ होए ने चौपाई साहिब जी दे पाठ होए ने कीर्तन सोहिले जी दे पाठ होए ने श्लोक दे पाठ होए ने पाठ अपने लेखे लाने अक्खर वादा घाटा बुलचुक माफ करना इसी तरह संगत नु अमृत वेला बख्शना अमृत वेला बख्शना नित नेम बख्शना अमृत वेले दी हाजरियां बख्शना सब नु देह अरोगता तंदुरुस्तियां बख्शनिया ते जो भी सरकार पंजाब विच आप दी आई है पंजाब लई सुखां दे दिन लियान वाली होए सब सुख सुविधाएं मिलन वाली न्याय करन वाली होए इस तरह ही चढ़ती कला बनी रहे ए सच्चे पिता वाहिगुरु हुन सब संगत नु चार पहर सुखां नाल वरतीत होन अगले चार पहर भी सुखां नाल वरतीत होन ते अमृत वेला बख्शना सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत ता भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੋਟਾਂ ਕੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੰਜ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਸਿੱਖਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਹੋਏ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸਵੇਰੇ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਹਿਮਤ ਦੋ ਸੰਗਤ ਯਾਰੀ ਪੜੋ ਸ਼ਬਦ। ਸ੍ਰੀ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆਦਦ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠ ਜਾਏ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉੱਠ ਜਾਏ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲੋ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।